यू आर रोलिंग सेंटर लुक ये वाला हाय यहां पे हां घर पे ले जा हां थैंक यू सो मच ये मेरा 6th अवार्ड है और सबसे मेन बात है इस अवार्ड की सबसे खासियत बात है कि ये ब्रेट लिन जी ने दिया है मुझे जो क्रिकेटर हैं बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और बाहर विदेश से आए हैं बताओ तो ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है थैंक यू सो मच ये अपना इनको थैंक्स कौन थे ना भैया हाँ फ्रेंड्स क्या ब्रांड आइकन हाँ ब्रांड आइकन अवार्ड को थैंक यू सो मच जी ओके नया शो आ रहा है काफी आपने टिप कर दिया अर्जुन बिजलानी को काफी हंगामा हो गया सोशल मीडिया में एक्चुअली नेहा जी ने भी कमेंट हंसने का दिया था क्योंकि उनको भी पता है मेरा नेचर कि मैं थोड़ा चुलबुली हूँ ये हूँ मतलब हाँ बट वो जो सीन है ना मतलब अभी तो प्रोमो में छोटा सा दिखाया जा रहा है बट जब आप देखोगे कि वो सीन वो जो किस किया है वो किस तरह से किया है मतलब ऑफ कोर्स यार अर्जुन मिजलानी एक टीवी का नाम है इतना बड़ा हम लोग देख रहे हैं उनके सीरियल हमने काफ़ी देखे हैं और मैं जस्ट एंटर की हूँ तो मतलब मेरे लिए एक था जैसे कि वो एक एक्साइटमेंट था ना जब अनिल कपूर सर बिग बॉस के अंदर आए थे और फिर जब उन्होंने इस तरह से पकड़ा था तो कोई वाला फीलिंग थी मेरे अंदर तो वो बहुत बहुत ही अच्छा चीज़ें हुई है वहाँ पे हाँ रोज की कमी थी जी कुछ ऐसा नहीं है एक्चुअली क्या वो सीन मैं बताती हूँ क्या हुआ मेरे ना यहाँ पे मस्सा लगा हुआ था और चश्मा वो गोल गोल था उसमें मुझे दिख ही नहीं रहा था कुछ भी और दुपट्टा डला था तो निक्की भैया अच्छे से बट थट के पूरा रेडी थी तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे भी थोड़ा दुपट्टा उपट्टा चश्मा वश्मा निकाल के थोड़ा सा मुझे भी ऐसा करना चाहिए हाँ तो मैंने वो फिर दुपट्टा निकाल दिया और चश्मा वगैरह निकाला ऐसा कुछ नहीं है दोनों में अच्छा खासा बातें हुई हमने इतना एंटरटेन किया सारा चीज़ें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है वो एक सडनली चीज़ें होगी कि दुपट्टा निकाला चश्मा लिया ये वो बस ओके मैम जान अर्चना गौतम मैम वहाँ बिग बॉस की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता और वहाँ कुछ ऐसे आपके फ्रेंड हैं जिनके अभी करंटली शो आ रहे हैं जैसे टीना डत्ता उनके शो आ रहे हैं जो हमेशा आपके बारे में बोलती रहती है ये तो माई गुड फ्रेंड तो आप उनके शो और उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे कैसा लगा उनका प्रोमो शो बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट मैंने शेयर भी किया था और जब मैंने शेयर किया था तो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक चीज़ें वायरल भी हुई थी कि मैंने क्योंकि पता है मैं क्या बिलीव करती हूँ ये इंस्टा कुछ लोग होते हैं जो कॉन्शियस होते हैं ओ माय गॉड मैंने अगर किसी की रिपोस्ट कर दी स्टोरी मैं नहीं करूँगा मेरे फॉलोवर्स उस पर ना चले जाए उसके फॉलोवर्स मेरे पे चले ना चले जाए अरे यार क्या करने का आज तुम्हारे पास फॉलोवर्स है कल मेरे पास होंगे कल मेरे पास है तो तुम्हारे पास होंगे फॉलोवर्स बढ़ते रहते हैं आपके एक ओहदे की तरह मतलब आपके काम के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्शियस होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है ठीक है कोई बात नहीं ना मेरे जितने फॉलोवर्स हैं पहले मेरे स्टोरी पे 10,000 व्यूज़ आते थे आज मेरी स्टोरी पे 5 लाख 6 लाख व्यूज़ आते हैं 3 लाख 4 लाख ऐसे आते हैं तो मैंने कितनी ग्रोथ की है मैं उसमें खुश हूँ तो मुझे ऐसा नहीं है मेरे लिए टीना से लेके सब लोग मेरे दोस्त हैं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये देखो मैं अभी तो फिलहाल फोकस कर रही हूँ एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल जो कल से आने वाला है और देश में धमाका मचाने वाला है उसके बाद भी एक शो आ रहा है वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी फिर मैं मान सकते हैं कि अभी एक टीवी एक्टर शो के लिए फुल तैयार हूँ मैं फुल एंटरटेन करने के लिए तैयार हूँ फुल मस्ती करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि बस अभी तो मैं चाहती हाँ मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है भैया तुम्हारा क्या चल रहा है